अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज जो है वो स्पेशल एग्ज़ाम्स इंटरमीडिएट के जो हुए थे आज, तो उसके एमसीक्यूज़ हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के, जिसको मैं यहाँ पर आपके सामने सॉल्व करवाऊँगा, उसके करेक्ट आंसर्स बताऊँगा। तो 43 एमसीक्यूज़ यहाँ पर टोटल हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला। तो जिसका सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं होगा, उसमें यहाँ पर हमारे पास कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो विच पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पर ये जो H2O और H2O2 है, इनका एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास जो है वो सेम नहीं निकलेगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट में। नेक्स्ट है, सैम्पल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट STP ऑक्यूपाइज 5.6 DM³ ऑफ वॉल्यूम, इट्स मास विल बी। तो देखिए, 22.41 DM³ का मास हमारे पास हो जाएगा 44 AMU, 11.2 का मास हो जाएगा हमारे पास 22 AMU, और 5.6 उसका भी हाफ हो गया, तो मास भी हाफ हो जाएगा 22 से 11, तो 11 ग्राम इसका वेट होगा। उसी को हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, इस वाले को, कि दैट इज़ के जो आपके पास वॉल्यूम एट STP होता है वो बराबर होता है मास अपॉन मॉलिकुलर मास इंटू 22.41, इससे भी निकाला जा सकता है। तो इसमें हमारा वॉल्यूम जो है दैट इज़ 5.6 है, इक्वल टू मास हमें बताना है अपॉन, और मॉलिकुलर मास 44 है, उसके मल्टीप्लाई कर दिया दैट इज़ 22.41 से। तो यहाँ पर इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर सेम आएगा एम का, 11 ग्राम। थर्ड है, 306.40 है सिग्निफिकेंट फिगर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसके अंदर है, जो कि जो जीरो होता है आफ्टर डेसिमल वो सिग्निफिकेंट होता है। फोर्थ है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज यूनिट ऑफ, तो ये यूनिट हमारे पास विस्कोसिटी की है। फिफ्थ है, दिस इज़ नॉट कोवेलेंट क्रिस्टल, डायमंड कोवेलेंट होता है, ग्रेफाइट कोवेलेंट होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ये कोवेलेंट क्रिस्टल नहीं है, बल्कि ये हमारे पास एक जो है वो मॉलिकुलर क्रिस्टल होता है, ये मॉलिकुलर क्रिस्टल है, और इसी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जो है वो ड्राई आइस भी कहते हैं। छठा है, दिस गैस डिफ्यूज फास्ट एट द हाईएस्ट रेट। तो मॉलिकुलर वेट जिसका सबसे लोएस्ट होगा, तो ये 16 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड 12 प्लस 16 28 हो गया, ये 14 2 28 हो गया, और ये 44 हो गया। तो जो लाइट हाइएस्ट रेट पर डिफ्यूज़ करेगी मीथेन, चूँकि ये जो है वो लाइटेस्ट गैस है, ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन लगेगा इसमें। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू अदर 4 कार्बन एटम एट एन एंगल ऑफ, तो 109.5 डिग्री होती है, चूँकि कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होता है डायमंड में। 8 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब एनर्जी लेवल गिवन बाय फार्मूला, जैसे एक सब एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो इसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास, 2n² 12+1 2 × 12+1 n+l। तो ये हमारे पास 2 × 12+1 होगा, ठीक है, सी ऑप्शन। 9th है, दिस रूल और प्रिंसिपल हैज़ बीन वायलेटेड इन दिस, 1s1 2 2s2 2p1 2p0, अच्छा 2px1 2py0 2pz0, आई थिंक 1s2 2s2 2p6 3s2। तो आई थिंक ये 2p पर 1 लगाया गया है या 2 लगाया गया है, और वो होंड पॉली या n+l को ये एक वॉलेट हो रहा होगा, 1s2 2s2 2p x पर, आई थिंक ये 2 है, अब अगर ये 2 है तो यहाँ होंड रूल वॉलेट हो रहा है। 10वां है, n+l वैल्यू फॉर 4d, तो 4 के लिए 4 हो गया, और d के लिए हमारे पास हो गया 3, 4 + 3 = 7, 7 हो गया यहाँ पर आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, भी एस ऑर्बिटल की शेप होगा स्फेरिकल, बी ऑप्शन। 12th है, दिस इज द लाइट ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारे पास वॉलेट कलर की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स पजेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी, अमोनिया में होगी, चूंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन से बॉन्डेड है। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन इथीन मॉलिक्यूल, तो इथीन मॉलिक्यूल, दिस इज द इथीन मॉलिक्यूल एक्चुअली व्हिच आई एम गोइंग टू ड्रॉ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिग्मा और पाई बॉन्ड के अंदर
यहाँ पर आपके पास ये दिस इज एक्चुअली सिग्मा सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, 5 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है, तो 5 सिग्मा एंड 1 पाई, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है शेप ऑफ बी सी एल थ्री मॉलिक्यूल इज, तो बी सी एल थ्री मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है, इसको वैलेंस शेल पेयर से देखें तो बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ जाएंगे बी सी एल थ्री में, 3 बॉन्ड पेयर आएंगे, लोन पेयर एक भी नहीं होगा, तो ये प्लेनर ट्राइगोनल, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 16 है दिस इज़ नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब एक्सटेंसिव कौन सी ये बतानी, एक्सटेंसिव जो मास पे डिपेंड करती है, तो ये हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी, ये हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ एंथैल्पी व्हेन 1 ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाट, तो इसको हम लोग कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज, तो सोडियम कार्बोनेट का एक्वा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जब इसको वाटर पर ऐड करेंगे तो वाटर में ऐड करने पर NaOH बनेगा और कार्बोनिक एसिड बनेगा, इसके मतलब स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका एक्वा सोल्यूशन जो है वो बेसिक नेचर का होगा, बी ऑप्शन। 19 है दिस आयन इज मोस्ट हाइड्रेटेड, कौन से आयन मोस्ट हाइड्रेटेड होगी, स्मॉलेस्ट आयन होंगी तो फिर, या फिर लार्जेस्ट हम कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस जिसका होगा, सॉरी मतलब मोस्ट हाइड्रेटेड और स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस जिसका होगा, तो कैल्शियम पोटेशियम एल्युमिनियम ये सब एक ही ग्रुप से लाई करते हैं, लेकिन एल्युमिनियम पे चार्ज चूंकि ज़्यादा है तो चार्ज ज़्यादा होगा तो हाइड्रेशन ज़्यादा होगी, तो सी डी ऑप्शन, Al+3। 20 इन गिवन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इज +5, Cl+5 किस में होगी, Cl की वैलेंसी, तो यहाँ पर देखेंगे +1 और -4, ये यहाँ पर +3 निकल लिए और यहाँ पर -6 ये रहा, +1 ये रहा, तो +5 आपकी यहाँ HClO3 में निकल रही है, दिस इज कॉल्ड क्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है द यूनिट सेल हैविंग डायमेंशन ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एन अल्फा बीटा गैमा इक्वल टू 90 डिग्री, फॉर्म क्रेसल सिस्टम, तो CTO ये ऑर्थोरॉम्बिक होगा, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कुछ MCQs आपके पास आए हैं, ठीक है, 21 MCQs हैं, फर्दर और MCQs की तरफ आते हैं। तीन MCQs को भी सॉल्व करते हैं। 22 है द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कॉन्स्टेंट इज वॉट, 6.625 × 10⁻¹⁴ जूल सेकेंड, बी ऑप्शन। नेक्स्ट डिबाई इज द यूनिट ऑफ, डिबाई की यूनिट किसकी है, डिबाई जो है वो डायपोल मोमेंट की यूनिट है, ठीक है, तो डायपोल मोमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन बेसिक मीडियम द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, बेसिक मीडियम में यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है RPG, RPG एसिड बेस न्यूट्रल, तो बेसिक मीडियम में तो ये हमारे पास हो जाएगा पर्पल, ठीक है। नेक्स्ट है 25 है द फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन द मॉलिक्यूलर आयन अंडर कंसंट्रेशन इज, तो ये फॉर्मल चार्ज जो आता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट के ऑर्डर ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज, फोटोकेमिकल रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो हमेशा हमारे पास जीरो होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं ये। नेक्स्ट डायपोल मोमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज नॉट जीरो, जीरो कौन से नहीं होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल जीरो नहीं होगा क्योंकि ये असिमेट्रिकल है, दैट्स वाई, बाकी ये सारे सिमेट्रिकल है, तो ये इसकी वजह से ये हमारे पास डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। नेक्स्ट दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, गामा रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस है। नेक्स्ट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम फॉर इलेक्ट्रॉन विद एल इक्वल टू 2 0 1 2, तो ये हमारे पास डी ऑर्बिटल है तो उसके जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट नंबर ये हो जाएंगे -2 -1 0 +1 +2। नेक्स्ट है द पेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, इंटरमोलिकुलर फोर्स, अमाउंट ऑफ लिक्विड, तो अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है ना उसके इंडिपेंडेंट होती हैं, डी ऑप्शन। द कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन इट्स वॉट, किसी भी लाइट का कलर जो है उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है दिस द गैस हैज़ स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो फिर से ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन है, दिस इज 14 15 16 17, दिस इज 28, दिस इज 28, दिस इज 64 AMU, तो SO2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन SP ND सबशेल इज,
क्योंकि इसमें टू होता है, इसमें सिक्स होता है, इसमें टेन होते हैं, टू सिक्स टेन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ शेल, के एल एम एन, दो आठ अठारह बत्तीस, ठीक है 32 हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 500 cm³ ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज वॉट, मोलैरिटी बतानी है भाई। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई, मास, तो पहले तो मास इन ग्राम यूज़ करेंगे, दैट इज 49, उसके बाद 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो फिर अब हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आएगा इसका 98 आ गया बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 500 आ गया, तो 500 वन ज़ा 500, 500 टू ज़ा 1000, 49 वन ज़ा 49, 49 टू ज़ा 98, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, तो ये हमारे पास वन मोलर आ गया, ए ऑप्शन वन मोलर। नेक्स्ट है 15% सोल्यूशन ऑफ NaOH मीन्स दैट दैट इन 800 ग्राम ऑफ सोल्यूशन देयर इज 15 ग्राम ऑफ NaOH, इसका मतलब हो गया 15% का मतलब यही होता है। नेक्स्ट है फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड MnO2 इज यूज्ड एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट, इस्तेमाल करते हैं रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मोल पर DM³ पर सेकंड होगी, ठीक है ये हमारे पास, दिस इज करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। वन मोल ऑफ मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट STP हैज द सेम, दोनों के एक मोल है तो उनका सेम हमारे पास क्या होगा, मोलर वॉल्यूम हमारे पास सेम होगा 22.41। नेक्स्ट है 1 जूल इज इक्वल टू, एक जूल किसके बराबर होता है, तो जूल और कैलोरी में कन्वर्जेंस आप जानते हैं, ठीक है तो ये 0.932, 0.239, इसके मतलब करेक्ट आंसर है हमारे पास डी ऑप्शन। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर इज अ प्रॉपर्टी, केमिकल, कॉलिगेटिव, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, तो वेपर प्रेशर हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी तो है नहीं, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ऑस्मोटिक प्रेशर है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव, तो ये डिपेंड करती है वेपर प्रेशर हमारे पास जो है वो डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर हमारे पास एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट लिक्विड दैट एवेपरेट्स रीडली इज कॉल्ड, वोलेटाइल लिक्विड होता है वो, एजिमथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ दिस ऑर्बिटल आर सेम, तो एजिमथल मैग्नेटिक दोनों किस ऑर्बिटल की सेम होगी, तो 4s के लिए दोनों की वैल्यू 0-0 होगी, एजिमथल मैग्नेटिक, ठीक है। तो ये सारे MCQs होंगे आपके पास जो स्पेशल एग्जाम्स के लिए और सप्लीमेंट्री के लिए आए थे इस ईयर में, ठीक है आई होप सो कि ये चीज़ आपको क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।